जे ओ से क्या संबंध है आपका? जोसेफ मैंने। हाँ ठीक है। आप छिन्न और चमत्कार हैं, सिद्धता संभव है, यीशु भी नहीं मांगा, और अगर आप संगी बारिश है तो आप एंड वंस यू नो योर ट्रूथ, आप उसमें चलने लगते हैं कि मैं कौन हूं। तो जीवन और भक्ति से संबंधित हर एक चीज आपको दी गई है इस नए प्राणी के लिए। अब आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, हर एक चीज प्रबंध की गई है, हर एक चीज प्रबंध की गई है। समझ रहे हैं? आपके लिए हर एक चीज प्रबंध की गई है, कुछ भी नहीं छोड़ा गया है। सो यू डोंट हैव टू स्ट्रगल। तो आपकी प्रार्थना जो है वो चेंज हो जानी चाहिए, के समान नहीं, नए मनुष्य के समान। यही अंतर है सत्य में और धार्मिकता में। सत्य आपको आजाद कर देती है, आपको बंधन में नहीं डालती है। धार्मिकता आपको बंधन में डालती है। धर्मी जब आप बनने लगते हैं, जब धर्मीपन आप दिखाने लगते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? आप फॉलो कर रहे हैं कुछ रूल। लेकिन नया प्राणी क्या कहता है? नया प्राणी सब कुछ परमेश्वर के द्वारा बनाया गया है, अब आप कुछ भी नहीं है। हालेलुया। और हम इसी को ब्रेक के बाद में देखेंगे। हालेलुया। संसार के दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं क्योंकि न खतना और न खतना रहित कुछ है परंतु नई सृष्टि। ठीक है, मैं चाहता हूं इसको मैं एक बार फिर पढ़ दूं आपके लिए। हम 14 देखेंगे क्या लिखा है। पर ऐसा ना हो कि मैं और किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार के दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, क्योंकि ना खतना और ना खतना रहित कुछ है परंतु नई सृष्टि। तो पौलुस क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि अब हमारे पास घमंड करने का कोई कारण नहीं बचा। अब हम ये नहीं बोल सकते हैं कि मैं जो हूं वो मैं पंडित हूं, मैं हिंदू हूं, मैं मुस्लिम हूं। कभी कभी होते हैं ना जब मुस्लिम लोग प्रभु में आते हैं ना, तो अब वो भूखते चलते मैं मुस्लिम से प्रभु में आ गया, तो प्रभु का तारीफ कम और उस मुस्लिम का तारीफ ज़्यादा होता रहता है। देखो भाई मुस्लिम से आ गया, भाई मुस्लिम से आ गया, और परमेश्वर का तारीफ तो गुम हो जाता है, उस व्यक्ति का तारीफ होने लगता है। और हम ये बहुत सारी परिस्थिति में पाते हैं, कोई हीरो या हीरोइन जो एक्टर एंड एक्ट्रेसेस हैं वो जब प्रभु में आते हैं तो इतना तारीफ होने लगता है, इतना तारीफ होने लगता है, मतलब प्रभु तो चले जाते हैं, अब वही रह जाते हैं। तो अब ये हमारे विषय में नहीं रहा। लिखा है ना खतना और ना खतना रहित, मतलब अब कोई जातिवाद नहीं रहा, हमारे हाथ के काम नहीं रहे। मैंने अच्छा किया है बोलकर मैं कुछ घमंड कर रहा हूं, जैसे अभी हम कुछ देर पहले बात कर रहे थे, मैंने ज्यादा प्रार्थना की है इसीलिए मुझे ज्यादा आशीष मिल रही है। गलत है, बिल्कुल गलत। मैंने ज्यादा बाइबिल पढ़ी है इसीलिए मेरे पास ज्यादा प्रकाशन है। ऑफकोर्स आप ज्यादा अगर बाइबिल पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक परमेश्वर का वचन आपसे बात करेगा, आपको प्रकाशन मिलेगा। लेकिन आपके ज्यादा बाइबिल पढ़ने के कारण आपके पास में ज्यादा प्रकाशन ऐसा नहीं है, क्योंकि आप ज्यादा समय बिता रहे हैं तो आपको प्रकाशन ऑटोमेटिक मिल रहा है। लेकिन परमेश्वर प्रकाशन आपको इसीलिए नहीं दे रहा है कि आप ज्यादा बाइबिल पढ़ रहे हैं तो आपको स्पेशल प्रकाशन देंगे। इसका सिंपल सा कारण यह है कि जो जितना बोएगा वो उतना काटेगा। तो आप ये मत सोचना मैं ज्यादा पढ़ूंगा तो मेरे पास ज्यादा प्रकाशन है, नहीं। वो आपको प्रकाशन इसीलिए मिल रही क्योंकि आप एक रूल के ऊपर काम कर रहे हैं, जो जितना बोएगा वो उतना काटेगा। आप ज्यादा समय दे रहे हैं परमेश्वर के वचन को तो वो आप उसका काटेंगे, उसका फल काटेंगे। लेकिन आप कोई विशेष नहीं है, आप ये नहीं बोल सकते मेरे ज्यादा मेहनत करने से मुझे ज्यादा प्रकाशन मिला, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो अब क्या इंपॉर्टेंट रहा है? वचन कहता है 14 में क्या लिखा हुआ पढ़ो। पर ऐसा ना हो कि मैं किसी और बात का घमंड करो। तो हमारे पास घमंड करने के लिए कुछ नहीं है, हमारे हाथ के काम नहीं है घमंड करने के लिए।
केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा मैं संसार की दृष्टि में और संसार मेरी दृष्टि पर चढ़ाया गया हूं। क्योंकि खतना खतना और ना खतना रहित कुछ है परंतु नई सृष्टि। तो हमारे पास घमंड करने का कुछ कारण नहीं है, केवल हम एक बात में घमंड कर सकते हैं, वो क्या है? नई सृष्टि के ऊपर। तो आप अपने ऊपर घमंड कर सकते हैं, अपने ऊपर नहीं लेकिन उस नए सृष्टि पर जिसको तैयार किया गया है परमेश्वर के आत्मा के द्वारा। तो आप घमंड कर सकते हैं उसके ऊपर, लेकिन आप अपने हाथ के काम पर घमंड नहीं कर सकते। क्योंकि जिस समय आप अपने हाथ के काम के ऊपर घमंड करेंगे, देखो मुझे आशीष मिली क्योंकि मैं अच्छा हूं, जिस समय आप ये कहते हैं कि मैंने ये अच्छा काम किया है इसलिए मुझे ये प्राप्त हो रहा है, तो शैतान आपको ये बताने आ जाता है कि आपने क्या क्या गलत काम किए। क्योंकि जिस समय आप ये बोलते हैं मैंने अच्छा काम किया है इसीलिए मुझे ये आशीष मिल रही है, तो शैतान फिर आपको गिनाना शुरू करता है कि आपने कितने बुरे काम भी किए हैं। तो आप शैतान को वो मौका नहीं देना चाहेंगे। इसीलिए परमेश्वर, वचन में लिखा है, इसीलिए वचन कहता है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ। अधीनता का मतलब कि आपने आपको समर्पित कर देना, आप कुछ नहीं है, आपके हाथ के काम कुछ नहीं है। कई लोग बोलते हैं ना, मैंने अपने आपको परमेश्वर पर सौंप दिया है, मैं कुछ भी नहीं हूं। लेकिन वो क्या फूकते चल रहे हर एक जगह पर? मेरे काम के द्वारा, मेरे समर्पण के द्वारा, मेरे मेहनत के द्वारा। नहीं, हम कुछ भी नहीं हैं, ना मेरे समर्पण के द्वारा, ना मेरे भक्ति के द्वारा, ना मेरे शक्ति के द्वारा, ना मेरे विश्वास के द्वारा, केवल और केवल परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा। जब हम ये समझते हैं परमेश्वर का अनुग्रह और नई सृष्टि, जब हम समझते हैं नए व्यक्ति को, नए सृष्टि को, नए आदमी को, नया जो हम कह रहे हैं न्यू मैन को, जब हम समझते हैं हमको वो आशीष मिलती है। याद है अभी हम ब्रेक में जाने से पहले क्या बात कर रहे थे कि क्योंकि हम एक नया प्राणी है, परमेश्वर ने इस नए प्राणी के लिए सब कुछ पहले से ही प्रबंध करके रख दिया है। सो अब इस नया प्राणी को करना क्या है? चिंता के बजाय नया प्राणी को इस बात पर ध्यान देना है कि इस नए प्राणी को क्या चीज की आवश्यकता है, किस चीज की आवश्यकता है, किस चीज की आवश्यकता है इस नए प्राणी को? पैसे की आवश्यकता? हाँ, पैसे की आवश्यकता है। ओके, पैसे की आवश्यकता है तो इस नए प्राणी के मैनुअल में क्या लिखा है? तो आप फिर मैनुअल खोलते हैं और मैनुअल में जो लिखा है अब आप उसका पालन करते हैं। यू नो वन थिंग इज श्योर, क्योंकि आप नए मनुष्य हैं, कई बार आप संघर्ष करते हैं, मेरे जीवन में ये क्यों नहीं हो रहा है, मेरे जीवन में वो क्यों नहीं हो रहा है, संघर्ष करते हैं, राइट? आप लोग अपने जीवन में पैसे के मामले में, संबंध के मामले में, चिन्ह और चमत्कार के मामले में संघर्ष करते हैं। लेकिन आप भूल जाते हैं एक बात, क्योंकि आप अब मनुष्य नहीं है, आप अब मर चुके हैं, अपने शरीर में मर चुके हैं। कहां लिखा है? परमेश्वर के वचन में लिखा है। लिखा है ना, 14 में जाओ, क्या लिखा है? देखो मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, तो मैं मर गया हूं और संसार में लिए मर गई है। समस्या आपके लिए कब उत्पन्न होती है? जब आप नए मनुष्य होने के बावजूद संसार में अपने समस्याओं का समाधान खोज रहे हैं। सिर ना हिलाएं, समझे? आप संसार में अपने समस्याओं का समाधान खोज रहे हैं और आप ये भूल गए हैं कि आप संसार के लिए मर गए। संसार में आपकी समस्या का समाधान क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आप संसार के लिए मर चुके हैं। आपने कभी सोचा है आप इतने समस्या से होके क्यों जा रहे हैं? मसीह लोग इतने समस्या से होके क्यों जा रहे हैं? क्योंकि आप संसार के लिए मर चुके हैं। अब मर गए हैं तो अब आप संसार पे प्रकट होना चाह रहे हैं, देखो मुझे सहायता करो, लेकिन आप संसार के लिए मर चुके हैं। आप संसार के लिए मर चुके हैं, संसार आपके लिए मर चुकी है, लेकिन तब भी अब आप संसार में सहायता खोज रहे हैं जो कि आपको मिलने का नहीं। आपको एक ही जगह से सहायता मिल सकती है और वह परमेश्वर के वचन से। क्यों? क्योंकि यह नए मनुष्य का मैनुअल है। अगर नए मनुष्य में कुछ काम नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना चाहिए? यह मैनुअल खोलना चाहिए और देखना चाहिए कि नए मनुष्य के लिए इस मैनुअल में क्या लिखा है। किसी भी समस्या को, आप कोई भी समस्या देख रहे हैं अपने जीवन में, जाएं ये न्यू मैन के मैनुअल को खोलें और चेक करें न्यू मैन के मैनुअल में धन के प्रति क्या लिखा है, चंगाई के प्रति क्या लिखा है, संबंध के प्रति क्या लिखा है, और जो भी लिखा है अब उसको फॉलो करना शुरू करें, उसका पालन करना शुरू करें,
पढ़कर छोड़े नहीं। अगर मैनुअल कहता है, किसी मशीन का मैनुअल कहता है कि आप इसको प्लग करने से पहले इस डिवाइस को ऑन ना करें, ऑफ रहने दें, और इसके तार को उठाकर जाकर मेन पॉइंट में जोड़ें, तो आपको क्या करना पड़ेगा? बिना उस मशीन को ऑन किए वैसे ही आपको तार ले जाकर उस मेन पॉइंट में जोड़ना पड़ेगा। आप ऑन करके खोल कर नहीं जोड़ सकते क्योंकि मैनुअल में कहा है। अगर आप ऐसा करेंगे तो मशीन बिगड़ जाएगा, आपका जो वारंटी है रद्द। ठीक वैसे ही परमेश्वर का वचन अगर आपको कुछ कह रहा है करने के लिए, आपको संपूर्ण मन से वो करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब आप संसार के लिए मर चुके हैं और आप जो एक नया व्यक्तित्व है, नया जो नया सृष्टि है, अब नए सृष्टि को उसी तरीके से काम करना पड़ेगा जैसा नया मैनुअल बता रहा है। हो क्या गया है हम में से बहुत सारे लोगों में, यूज कर रहे हैं न्यू मैन का मैनुअल, किस पर? पुराने आदमी पर, इसीलिए काम नहीं हो रहा है। आप पुराना मनुष्य हैं अभी भी और न्यू मैन का मैनुअल कर रहे हैं। ये ठीक वैसा ही है कि आपने कैमरा का मैनुअल लाया और उससे मोबाइल चलाने की कोशिश कर रहे हैं, चलेगी आपसे कभी? वो उसमें लिखेगा व्यू फाइंडर में देखें। अब आप कहां, आपके कैमरा में व्यू फाइंडर कहां है? है ही नहीं। और आप बोलेंगे तो काम ही नहीं करता है। हम ऐसे मसीह लोगों के बहुत सारे जीवन का हाल यही है। बाइबल में देख रहे हैं, परमेश्वर जुटाएगा, और अपने जीवन में क्या पाते हैं? जा नहीं जुटा रहा है। लेकिन उनको यह नहीं पता है कि दैट इज द मैनुअल ऑफ न्यू मैन, जो पुराने व्यक्ति पर काम नहीं करने वाला है। यही है आप लोग? मैं क्या बोल रहा हूं, आप जो आपके हाथ में जो मैनुअल है ये पुराने व्यक्तित्व पे काम करेगा ही नहीं। अगर आप चाहते हैं कि ये आपके जीवन में काम करे तो सबसे पहले है एक बात आपको करनी पड़ेगी, वो है अपने आप को क्रूस पर चढ़ा देना। एंड वंस अगेन, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रहा है, आपने आपको क्रूस पर चढ़ा के ये मत बोलना पास्टर थापा ने कहा था क्रूस में चढ़ाने के लिए। क्रूस में चढ़ाने का मतलब ये होता है अपने आप को खत्म कर देना अपनी इच्छा के प्रति। क्रूस में चढ़ाने का मतलब होता है यीशु मसीह को ग्रहण करना, संपूर्ण तरीके से उस पर समर्पित रहना। हालेलुया। दैट इज द रीजन काम नहीं कर रहे। लेकिन अगर आप सोचो, अगर आप नया मनुष्य हैं, नया मनुष्य होने के बावजूद आप नया मनुष्य हैं और उसके बाद फिर परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप सोचो आपका जीवन किस स्तर में होगा। आप पहचान लेते हैं कि मैं पुराना, मेरा से वो मर गया और मैं नया हो गया, और उसके फिर आप परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप सोचो आप हर एक दिन विजय होंगे। बहुत सारे लोग, मैं आपको बता रहा हूं, आप देखेंगे इस अभी भी इस मीटिंग से भी लोग जाएंगे और फिर अगले संडे वैसे ही रहेंगे। उनके बिजनेस में चेंजेस नहीं है, उनके गवाही में चेंजेस नहीं है। कारण क्या है पता है? क्योंकि वो जितने बार भी परमेश्वर के वचन को सुनते हैं वो नहीं समझते हैं कि ये आत्मिक जन के विषय में लिखा गया है। द फर्स्ट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू डाई, आपको मरना पड़ेगा संसार के प्रति। तो आपके लिए कुछ नहीं है, आप कुछ नहीं है, आपका हाथ का काम कुछ नहीं है, जो कुछ आपको मिला है परमेश्वर के अनुग्रह से मिला है, यह समझना जरूरी है आपके लिए। हालेलुया। आए हम आगे बढ़ेंगे। नाउ लेट्स रीड वन मोर वर्स। हम अभी खाली नए मनुष्य के विषय में देख रहे हैं, ठीक है, नई सृष्टि के विषय में, न्यू मैन के विषय में। सो इफिसियों की पत्री अध्याय 2। अध्याय 2, किसको किसको मजा आ रहा है? हालेलुया। इफिसियों 2:15 निकाल, इफिसियों 2:15 फट से निकालेंगे हम, पढ़ेंगे। लिखा है, और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों के रीति पर थी मिटा दिया, कि दोनों से अपने आप में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे।
सो क्या किया उसने, अपने शरीर में बैर को, वो व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधि के रीति पर थी, क्रूस पर क्या कर दिया, उसको मिटा दिया, और दोनों को आपस में एक कर नया मनुष्य उत्पन्न किया। कहे नया मनुष्य, कहे न्यू मैन, कहे मैं नया मनुष्य हूं, मैं नया मनुष्य हूं, मैं नया मनुष्य हूं, मैं नया मनुष्य हूं। कहे आप एक नए व्यक्ति हैं, एक दूसरे की तरफ देख के वापस एक बार फिर से, एक बार फिर से, एक बार फिर से, आप कौन, क्या है आप, एक नए व्यक्ति हैं। सो हम पाते हैं पौलुस कह रहा है कि जो शरीर में बैर था, जिसका व्यवस्था, वो व्यवस्था जिसकी आज्ञा जो है विधि पर थी, क्रूस पर उसको क्या हटा दिया हमेशा के लिए, और आपस में मिलाकर वहां से एक नया मनुष्य उत्पन्न किया गया है। वो नया मनुष्य कौन है, मैं और आप, मैं और आप। तो ये देखो, ये जो शब्द है बैर, ये जो बैर है, ये जो दुश्मनी था किसके साथ में था, परमेश्वर के साथ। सो परमेश्वर ने उस दुश्मनी को क्या किया, यीशु मसीह के द्वारा हटा दिया। फिर क्या किया, दोनों को मिलाकर एक नया मनुष्य उत्पन्न किया। अभी हम इसको देखेंगे डिटेल में, यू विल बी वेरी सरप्राइज। ये आत्मिक सच्चाई है, मुझे नहीं पता आप कितने एक्साइटेड हैं, लेकिन दीज आर द सम ट्रूथ, यू नो, जो लोगों को आज पता नहीं है। इट्स वेरी सिंपल, लेकिन लोगों को पता नहीं है। सो अंडरस्टैंड दिस, आप यीशु मसीह में ऐसे मिले हैं, और यीशु मसीह ने बैर ऐसे आपके जीवन से हटा दिया। परमेश्वर, जो परमेश्वर के बीच में आपका जो बैरपन था, दुश्मनी था, यीशु मसीह ने ऐसे साफ कर दिया कि अब परमेश्वर के लिए, समझे, अब परमेश्वर के लिए आपको दोषी ठहराने का मतलब है, पता है किसको दोषी ठहराना, यीशु मसीह को दोषी ठहराना। नींद आ रही है, आपको दोषी ठहराने का मतलब परमेश्वर के लिए अब क्या है, यीशु मसीह को दोषी ठहराना। जिस दिन आपको लगता है कि परमेश्वर यीशु मसीह को दोषी ठहरा सकता है, तो उस दिन समझना परमेश्वर आपको भी दोषी ठहराएगा। इसलिए दोषीपन की भावना जैसे ही आपके अंदर आती है, आपको पता चल जाना चाहिए ये परमेश्वर नहीं है, ये शैतान है, क्योंकि परमेश्वर ने दोषपन की भावना को क्रूस पर हमेशा हमेशा के लिए हटा दिया। इसीलिए हम बोलते हैं ना, कैसे ये शैतान आपके अंदर दोषपन की भावना लेकर आ रहा है, कैसे पता चलता है, इसी से, क्योंकि परमेश्वर का वचन यहां पे कह रहा है कि उसने बैर को क्रूस पर हटा दिया है। तो हमारे बीच में कोई दुश्मनी नहीं है, हम परमेश्वर के पास में जा सकते हैं। लेकिन अगर आज परमेश्वर आपको लगता है कि परमेश्वर आपको दोषी ठहरा रहा है, तो याद रखो, क्योंकि हम यीशु मसीह के साथ में गाड़े गए और तीसरे दिन जीवित हो गए हैं, अगर वो हमको दोषी ठहरा सकता है, तो यीशु मसीह को भी दोषी ठहरा सकता है। हम, यू नो, पता नहीं आप सिर हिला रहे हैं, आप यस बोल रहे हैं, लेकिन मुझे पता नहीं आप कितना, क्योंकि मेरे लिए, यू नो, इट्स वेरी इजी एक प्रचारक के लिए कि आपको ये प्रकाशन दे, और आपके लिए बहुत आसान है कि आप नहीं समझे, यू नो, इट्स वेरी इजी, क्योंकि जिस दिमाग से, जिस प्रकाशन से मैं समझ रहा हूं, मैं जिस परमेश्वर के दिमाग से मैं समझ रहा हूं, हो सकता है कि आप नहीं समझ रहे हो, और आपके लिए खाली इंफॉर्मेशन हो, अच्छा मतलब यीशु मसीह, हम बैर खत्म कर दिया, अच्छा यीशु मसीह बैर खत्म कर दिया, यीशु मसीह बैर खत्म कर दिया। लेकिन ये उससे बढ़कर है। प्रकाशन का मतलब क्या होता है, प्रकाशन का मतलब ये नहीं होता है 2+2=4, प्रकाशन का मतलब ये नहीं होता है, प्रकाशन का मतलब होता है 2+2 कैसे 4 हो रहा है। प्रकाशन का मतलब ये है, आप यहीं पर हैं, है ना, हम लोग को पहले दो का पारा याद, दो का दो, दो दुनी चार, और हम लोग रट्टा मारते थे,
और हमको एक ट्रिक सिखाया गया था, 11 का तो याद मत करना और 10 का भी याद मत करना, क्योंकि 10 का इजी और 11 का भी इजी है क्या? हाँ दोनों करते जाते, हम याद नहीं करते थे। और सबसे कठिन पारा कौन सी होती थी पता है? 9 की। हाँ 9, 19, 7, 6, हमारे पसीने छूट जाते थे, तो हम रट्टा मारते, याद करने की कोशिश करते थे। लेकिन प्रकाशन ये नहीं है, इसीलिए मैं आपको बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूं, अंडरस्टैंड द रेवलेशन, प्रकाशन को समझने की कोशिश करें। यहीं पर हैं आप लोग? सो अब आपके लिए दोषी ठहरने का मतलब है यीशु मसीह दोषी ठहरना। सो कितना बड़ी, कितना बड़ा आजादी है ये हमारे लिए, नहीं? ये एक बहुत बड़ी आजादी है। देखो आप हो सकता है यहां से जाएं और बोले यार चिकन बहुत अच्छा था, पनीर बहुत अच्छा था, लेकिन अगर आप यहां से प्रकाशन समझ के चले जाएं, अगर आपको दिन भर सुबह से लेकर अभी तक अगर एक बात भी समझ में आ गया होगा तो बाकी आप खुद पे खुद समझ लेंगे। सच बता रहा हूं, अगर आपको केवल यह समझ में आ गया कि आप नए प्राणी हैं, मैं आपको बता रहा हूं आप बाकी के बात खुद समझ जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति आधा घंटा से ज्यादा के प्रचार को नहीं समझ पाता है और याद भी नहीं कर पाता है। तो मुझे पता है अगर आप बहुत समझदार, मानो आप चश्मा पहने हुए हैं और आप लिखने का कोशिश कर रहे हैं, एकदम दिखा रहे हैं कि आपको बहुत समझ में आ रहा है, मुझे पता है आप आधा घंटा हो गया अब आपके सिर में कुछ नहीं जा रहा है। तो आई नो दैट, तो ये ना कोई ये दिखाने वाली बात नहीं है, देखो मुझे बहुत समझ में है ना। कभी कभी तो ऐसा भी होता है, मतलब नींद आ रही है, आप खाना खा रही, सिर हिला रहे हैं आप, क्योंकि पास्टर जी समझेंगे कि है ना इनको समझ में आ रहे हैं मतलब, लेकिन मुझे पता है। लेकिन अगर आप सुबह से अभी तक अगर आप एक बात भी समझ लिए, एक बात कि आप मसीह में नए प्राणी हैं, कैसे, अगर आप ये समझ लिए, मैं आपको बता रहा हूं आप बाकी के बात खुद समझ जाएंगे। मुझे ज्यादा आपको रहस्य बताने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। मैंने इसीलिए आपको सुबह 9 बजे कहा था कि ये मैं अभी आज खाली परत छूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि एक मतलब पूरे जो एक परत है ऊपरी परत मैं केवल उसको छूं, असंभव है एक दिन में, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। हालेलुया। तो समझ रहे, आप एक नए प्राणी हैं और उस नए प्राणी को बैर खत्म करके बनाया गया है। तो परमेश्वर के लिए आपको दोषी ठहराने का मतलब यीशु मसीह को दोषी ठहराना, जो कि असंभव है, असंभव है। अंडरस्टैंड दिस। सो अब क्योंकि आप मर चुके हैं, मसीह आप में जिंदा है, आप अपने मनुष्य हैं। और आप देखो क्यों आप नए मनुष्य, क्योंकि आप में मसीह जिंदा है। तो इसका मतलब नया मनुष्य कौन है? देखो आप मर गए हैं और मसीह आप में जिंदा है, इसका मतलब नया मनुष्य कौन है? अपन यीशु मसीह। अगर आप मर गए हैं और मसीह आप में जिंदा है तो नया मनुष्य कौन हुआ?